हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चिकन, तो देखते हैं कैसे बनता है। ये 800 ग्राम चिकन है, अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। पहले मैरिनेशन के लिए हम दही डालते हैं, 4-5 चम्मच आप दही डाल लीजिए। एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसमें धुला हुआ चिकन मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इसमें हम 1 चम्मच नमक भी डाल देते हैं। हमारा चिकन मैरिनेट करने के लिए अब इसको फ्रीज में रख देते हैं 3-4 घंटे तक। हमने चिकन 3 घंटे तक मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, अभी हम इसको बनाते हैं। हम कढ़ाई में तेल डालते हैं, हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, थोड़ा ज्यादा तेल लगेगा। हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अब इसके बाद हम ऊपर से चिकन डाल देते हैं। इसमें प्याज टमाटर हमने कुछ नहीं डाला है। हमने इस पर जो हमने मैरिनेशन के लिए चिकन बनाया था उसमें हमने इतना मसाला डाला था, उसके बाद हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया इसमें। इस डब्बे में जो मसाला बचा हुआ है उसका पानी थोड़ा हम इसमें मिक्स करेंगे। वैसे हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसमें थोड़ा और नमक मिला दीजिए स्वाद अनुसार। हमने पहले 1 चम्मच नमक डाल चुके हैं, तो अब थोड़ा और मिला लेते हैं, 1 चम्मच और डाल दीजिए स्वाद अनुसार। पका लीजिए। अब देखिए हमारा चिकन पक चुका है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं क्रीम। क्रीम को 5 मिनट तक पका लीजिए इसमें, क्योंकि चिकन पहले से पक चुका है। चिकन हो चुका है रेडी, कैसा लगा आपको?
कैसी लगी हमारी डिश? आप रोटी के साथ खाइए और सबको खिलाइए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। प्लीज थैंक यू।